सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अच्छा सर, जैसे कि भ्रांतियाँ रहती हैं कि पर्चा अगर गलत भर जाता है जिससे कि उनका पर्चा कैंसिल कर दिया जाता था, तो इस संबंध में क्या चुनाव आयोग ने कोई नया स्टेप लिया है, क्या प्रक्रियाएं हैं? चुनाव आयोग ने इस बार ऑनलाइन आवेदन की एक नई प्रक्रिया शुरू की है। उस प्रक्रिया के तहत जो हमें पर्चे प्राप्त होते हैं उस पर्चे को हम स्लिप निकालने के बाद आवेदक को हम देते हैं, चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद अस्थायी रूप से जो सेव होता है आवेदक को चेक कराया जाता है। चेक कराने के बाद आवेदक अगर संतुष्ट हो जाता है कि हमने जो पर्चे भरे वो सही है, इसके बाद ही हम स्थायी रूप से एक स्लिप देते हैं। तो इसमें गलतियां की चांस बहुत कम है क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में फिटिंग करते हैं, फिटिंग के बाद उसका सब एक एक मिलाते हैं। तो इसका मतलब इस बार पर्चे कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे? जी, पर्चे कैंसिल होने के चांस बहुत कम है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम स्क्रूटनी में उसको देख लेंगे। तो आपके पास उस कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन भी रहती होगी, उसको बुलाना जैसे चाहते हैं आप, उससे कुछ करेक्शन करवाते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती होती है उसको? कैंडिडेट का मैं मोबाइल नंबर रखता हूँ जो उसका चालू आरक्षित रहता है, मोबाइल नंबर से अगर कोई मिस्टेक होती तो उस कैंडिडेट को बुला लेता हूँ। क्या इस संबंध में आपको कोई जानकारी है? जैसे कि जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान थे और लेखपालों की स्ट्राइक की वजह से कल तक उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे थे, तो क्या कोई जानकारी है इस संबंध में आपको? एडीएम साहिबान इस विषय पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और आज सुबह मेरे पास दो पर्चे आए, उन्होंने आज की डेट पे जाति प्रमाण पत्र सबमिट किया है। अब ये जाति प्रमाण पत्र का कोई इश्यू नहीं है, मुझे लग रहा है कि जाति प्रमाण पत्र वाली कोई दिक्कत नहीं रही है क्योंकि एडीएम साहिबान ने वो समस्या सॉल्व कर दी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।